सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे लीडर को मौका दिया आज के इस बेहतरीन सेशन में बोलने का। और योगेश जी के बारे में केवल मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि जिस दिन से योगेश सर में मतलब मेरा संपर्क जिस दिन से उनका हुआ है, मैंने डेडिकेशन उसको हमेशा पूरा करने का रहता है। और बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए इनके बिजनेस लाइफ में, लेकिन लगातार खड़े रहे और टिके रहे, जिसकी वजह से जो अप्स डाउन थे वो अप्स एंड डाउन निकल गए और दोबारा से वो नेटवर्क बनना शुरू हुआ। और मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ तो जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो कुछ लीडर जो ऐसे हैं जो हमेशा डायमंड की सोच को लेकर लगे हुए हैं, तो उनमें एक प्रीमियम नेम योगेश सैनी जी का हमेशा मेरी टीम में रहता है। तो बहुत शानदार लीडर है मेरी टीम में, और बाकी इन्होंने बहुत तैयारी की है सर आज के लिए, तो बाकी सर इनको ही मौका देते हैं अभी बोलने के लिए। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने मुझे इंसान के रूप में इस धरती पर भेजा। और दूसरा धन्यवाद देना चाहूंगा मैं अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस संसार में भेजा और मुझे यहाँ जन्म दे करके उन्होंने अपनी तरफ से जो भी उनसे हो सकता था सबसे बेस्ट परवरिश दी। उसके लिए मैं अपने भगवान को बारंबार प्रणाम करता हूँ। शुरुआत करता हूँ अपने इंट्रोडक्शन से। साथियों, नाम मेरा योगेश सैनी है और मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ। मेरे पापा जी एक किसान थे और उन्होंने किसानी करते हुए मुझे अपनी शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया। और जैसा हर किसी के साथ होता है, एक पिता अपने बच्चे के लिए पूरी जी जान लगा देता है उसको पढ़ाने के लिए, और मेरे पिता ने भी अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की और मुझे बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देने की उन्होंने कोशिश की। मैंने हाई स्कूल किया गवर्नमेंट कॉलेज इन गवर्नमेंट स्कूल से, उसके बाद मैंने इंटर किया और धीरे धीरे करके मैंने ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था, क्योंकि बड़ा भाई होने के नाते मेरे दिमाग के अंदर एक सोच हमेशा रहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा जो परिवार है, मेरे छोटे भाई बहन है, वो मेरे पीछे ऐसे रास्ते पर आए तो जब वो उस रास्ते पर चलें तो उनको फक्र हो, उनको अपने पर गर्व हो कि हमारे भाई ने एक रोड मैप मुझे तैयार करके दिया है और मैं ऐसा कोई काम करूं जिसकी वजह से मैं उनको सारी खुशियां दे पाऊं, एक पिता की तरह उनको निभा पाऊं। और इसी सोच के साथ मैंने दिल से लगा करके मेहनत किया, पढ़ाई की, और जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उसी पीरियड में मैंने ट्यूशन पढ़ा करके अपना खर्चा चलाना शुरू किया और धीरे धीरे मैं अपना ट्यूशन पढ़ा करके इस अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहा था। साइकिल से शुरुआत की, साइकिल से जाना स्कूल, ट्यूशंस पढ़ाना, कोचिंग्स पढ़ाना, इस तरह से मेरा जीवन चल रहा था। और उसमें से थोड़ा कुछ जो भी मैं बचा के अपनी फैमिली को दे सकता था वो मैं दिया करता था। और उसी समय कहते हैं कि जिस अवसर की तलाश आपको होती है परमात्मा वो एक न एक दिन देता है। और अवसर के बारे में और भाग्य के बारे में कहावत है, व्हाट इज लक, लक मीन्स व्हेन योर प्रिपरेशन मीट्स टू एन अपॉर्चुनिटी दैट इज कॉल्ड लक। जब आपकी तैयारी किसी अवसर से मिलती है तब आपके भाग्य का उदय होता है। और मैं पहले से ही सपने देख करके और अपने आप को कर्मठ बना करके तैयार था। उसी समय मेरे जीवन में इस शानदार बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी का आगमन हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस शख्स का जिन्होंने मेरे बारे में सोचा कि मैं इस बिजनेस के लायक हूँ। मैं जिस बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया करता था उनके पिताजी एक डॉक्टर थे, और सिर्फ इन्हीं दिनों में जो छुट्टियों के दिन होते हैं मैं कुछ फीस के सिलसिले में उनके पास गया कि सर मुझे जो बकाया फीस आपके पास है वो प्लीज दे दीजिए। तो जैसा कि सभी के साथ होता है, हर कोई अपना एक प्रोस्पेक्ट ढूंढता है और मैं वो भी एक प्रोस्पेक्ट ढूंढ रहे, तो उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन किया कि योगेश जी अब आप क्या करने वाले हो। मैंने बोला सर कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन छुट्टियों में अपनी खुद की तैयारी करूंगा मैं। तो उन्होंने बोला क्यों ना मैं आपको एक ऐसा अवसर दूं जिससे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। मैंने कहा सर बिल्कुल जरूर बताइए। उन्होंने बोला कि योगेश जी मैं आपको कल इनवाइट करता हूँ, कल संडे का दिन है, आप सुबह 10 बजे, एक एड्रेस दिया, वहां आप आइए। और जैसे उन्होंने बोला मैं एक्साइटेड हो गया, और अगले ही दिन, चूंकि मैं एक टीचर प्रोफाइल से था और मेरा बाई नेचर बचपन से ऐसा था कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति कुछ कहता है तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए एक सीख होगी, मेरे लिए एक अच्छा रास्ता होगा, मैं उसकी बात को मानता था और अमल करता था। मैं अगले दिन गया और जैसे कि सबके साथ होता है, वेन्यू पे जब हम जाते हैं
तो मैंने देखा वहां ढेर सारे लोग टाई पैंट और टाई और कोट पैंट में ऐसे चमक रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वास्तव में कोई बिजनेस मीटिंग है। जाते ही मैं समझ गया, और सबसे पहले जब उनके लोगों के गले में मैंने एक आई कार्ड देखा, उस पर लिखा था सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। जब उस सिस्टम का नाम पड़ा तो मैं गदगद हो गया कि वाकई में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर आज मिलने वाली है जो लोगों को सफलता दिलाती है। ढेर सारे लोग यहाँ सफल हैं, शायद मुझे भी सफलता मिल जाएगी। और मेरे अपलाइन ने मुझे बड़े ध्यान से सबसे पहले जाके सीट पे बिठाया। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। प्लान शुरू होने लगा, हॉल खचाखच भर गया, और पूरे प्लान में दमदारी के साथ में फिगर्स बढ़ती जा रही थी। प्रोडक्ट के बारे में बताया, कंपनी के बारे में बताया, उसके बाद इनकम प्लान की बताया, और बोला कि आप कमा सकते हो 40,96,000 रुपए। जब मैंने देखा लाखों की बात, तो कुछ बात दिमाग से ऊपर जा रही थी, लेकिन कुछ लग रहा था कि वाकई में बिजनेस तो बिजनेस होता है, कुछ किया सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जब लास्ट में क्लोजिंग होती है, तो एक डायमंड लीडर्स वहां आते हैं और उनके लिए गैलरी खाली होती है, लोग फूल हाथों में लेके खड़े होते हैं। मेरा चेहरा जो सामने आपके स्टेज पे था, मेरा चेहरा पीछे मुड़ गया, सभी लोग खड़े हो गए, मैं भी खड़ा होकर देखने लगा, क्या स्वागत था उनका। उस वेलकम को देखकर दिल गदगद हो गया, और मुझे लगा कि यार वाकई में ये बिजनेस करने लायक है। जब प्लान एंड हुआ, तो जैसा कि हम अपने प्रोस्पेक्ट से बोलते हैं कि सर आपको क्या अच्छा लगा, बिजनेस प्लान या प्रोडक्ट, तो मेरे से भी पूछा गया। मैंने सर दोनों ही बहुत बेहतरीन है, बताओ क्या करना है। उन्होंने वही बोला, सर साइन अप कीजिए और शुरुआत कीजिए। मैंने कहा ठीक है सर, आप शुरुआत कीजिए, मैं तो कुछ लेके आया नहीं हूँ, आपके पास मेरी फीस है, आप उसमें से एडजस्ट कर लेना। सबसे पहला फॉर्म उन्होंने लिया, फॉर्म भरवाया, और फॉर्म भरने के बाद उन्होंने बोला चलिए सर आप शुरुआत कीजिए, पेमेंट आप देना शुरू कीजिए। मैं घर गया, घर जाने के बाद में मैं उस चीज को भूल गया कि इसको शुरुआत करने के लिए 8-10 हज़ार रुपये की जरूरत भी है। मुझे लगा मैंने शुरुआत कर दिया है, लेकिन चूंकि ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट फॉलोअप 24 घंटे के अंदर हो जाए, तो प्रोस्पेक्ट जो है वो आपका एक एसोसिएट बन सकता है। मेरे अपलाइन समझदार थे, उन्होंने शाम को 4 बजे ही मुझे कॉल किया कि योगेश जी आप कैसे हैं, और प्रोडक्ट के लिए पेमेंट की व्यवस्था हुई क्या। मैंने सर पेमेंट मैं समझा नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे घर आइए, आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। मैं घर गया उनके, और जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझे बिठाया, और बिठा करके उन्होंने फॉलोअप की चीज़ें शुरू की। और फॉलोअप सबसे पहले उन्होंने वीडियो से किया। एक उनके पास छोटी सी ईवीडी थी, लैपटॉप टाइप में थी, और उन्होंने वहाँ पे हम सबके महागुरु जी प्रेरणा के स्रोत श्री जसवीर सर की वीडियो आग ही आग चला रखी थी। और उस वीडियो में जसवीर सर का जो जोश था, जो उनकी उमंग थी, जो वो अपना छाती ठोक करके बोल रहे थे मैंने यहाँ से कमाए लाखों रुपए करोड़ रुपए, और मैं यहाँ से कमा चुका हूँ BMW, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा कि इतना पतला सा एक व्यक्ति, साधारण सा व्यक्ति अगर कुछ इस बिजनेस में कर सकता है तो शायद हमारे साथ भी कुछ हो जाएगा। साथ ही फिर कुछ 2-3 स्लाइड उन्होंने मेरे साथ डिस्कस की, जैसे ट्रेडिशनल वर्सेस MLM। आप ट्रेडिशनल काम करेंगे, आप टीचिंग अगर लगातार करेंगे लाइफ टाइम, तो आपको 40 साल में भी कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं मिलेगा। अगर इधर बिजनेस में आप 4-5 साल काम करते हो, तो योगेश जी आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो और आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ दे सकते हो। साथ ही ESBI का अंतर समझाया, और ESBI का अंतर जब समझाया तो समझ में आया दोनों स्लाइड को देख करके कि वाकई में ये बिजनेस अगर मैं खड़ा करता हूँ और मैं मेहनत करता हूँ इसमें, तो आने वाले 4 साल में मैं वो कुछ पा लूंगा जो मैं 40 साल में नहीं प्राप्त कर सकता। और उसी भरोसे को लेकर के मैंने शुरुआत की। शुरुआत में जैसे सबके साथ होता है कि विश्वास हम लोगों को अपने ऊपर कम होता है। एक स्टूडेंट की एज में ही था मैं, ज्यादा ना कोई लिस्ट थी, केवल स्टूडेंट्स और कुछ टीचर संपर्क में थे। और मैंने जब काम की शुरुआत की तो मेरे साथ एक ऐसी कह सकते हैं कि दुर्भाग्य रहा था, रहा मेरा, जिन डायरेक्ट अपलाइन के टच में मैं था वो पेशे से डॉक्टर थे, हमारा और उनका टाइम मैच कभी करता नहीं था। मैं स्पेशली कोचिंग्स पढ़ाया करता था सुबह 7-10, उस समय सर फ्री रहते थे, वो डेली मुझे कॉल करते सर चलो प्लान करने के लिए चलते हैं, लेकिन मैं बोलता सर मैं 10 बजे फ्री होऊंगा। अल्टीमेटली 10 बजे उनका क्लिनिक का टाइम, शाम को 3 बजे वो फ्री होते हैं, फिर शाम को 3 बजे से मेरा कोचिंग का टाइम, शाम को 7 बजे मैं फ्री होता हूँ तो शाम को 7 बजे उनका क्लिनिक का टाइम। इस प्रकार ये इस तरह की चीजें रही, और इस वजह से कुछ ज्यादा चीजें, ज्यादा प्लान शुरुआत में ही रहे। लेकिन तभी मेरा सौभाग्य जागा और मेरे अपलाइन ने देखा कि इसके अंदर कुछ आग है, तभी उन्होंने मेरी मुलाकात मेरे 2 मेंटर से करवाई। और मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि जिस दिन से उनसे मेरी मुलाकात हुई है मेरा जीवन ही बदलने लगा। मैं जरूर आप सभी लोगों से
निवेदन करूंगा कि मेरे दोनों मेंटर महागुरु जी श्री नितिन सर और श्री ओम प्रकाश सर के लिए हम तालियां बजाएंगे, क्योंकि जब सर से मेरी मुलाकात कराई गई, मेरे से बोला सर चलो चलते हैं सर के पास में, डायमंड लीडर्स से कुछ ऐसे सीख के आते हैं। सर उस समय नेटवर नगर में रहते थे और ओम प्रकाश सर और नितिन सर उस समय सुबह का वक्त था, लगभग 11 बजे का, सर बैठे हुए थे। ओम प्रकाश सर शायद टहल करके आए थे, तो सबसे पहले नितिन सर से मिला, सर से परिचय हुआ। सर ने सबसे पहले मुझे इनकम प्लान दोबारा से बताया कि सर आप किस लिए आए हो इस बिजनेस में, 40 लाख कमाने के लिए या कुछ और देखा आपने? तो उन्होंने जब इनकम प्लान डिस्कस किया, चारों तरह की इनकम बताई, क्यूएससी के बारे में बताया और टारगेट्स के बारे में बताया, और ये भी बताया कि लोगों ने बड़ा काम कैसे किया है, लोगों ने एक महीने में 2 क्यू ज्वाइनिंग कराई है, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक दिन में 60-60 लोगों की भी ज्वाइनिंग कराई है। तो कुछ लगा कि हाँ ये मैं सही रास्ते पे हूँ, जब ये कुछ जॉब वाले लोग आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही ओम प्रकाश सर ने मुझसे पूछा सर आप प्लान दिखाते हो क्या? मैंने नहीं सर, ज्वाइनिंग को 3-4 महीने का वक्त हो चुका होगा, ऐसे समय निकल गया। सर ने वहीं मुझे प्लान लेना सिखाया, और प्लान लेना इस तरह से सिखाया कि मैं सर की मुस्कान पे गदगद हो गया, और मुझे लगा कि वाकई में यार बहुत शानदार सर ने समझाया है। और ऐसा मोटिवेट हुआ मैं कि उस दिन के बाद उसी समय मैं अपने एक दोस्त के पास गया, उसका नाम राज था, और उस समय फोल्डर इंग्लिश विंग्लिश में आया करता था। मैंने पूरे दमदारी के साथ उसको प्लान दिखाया, जो उससे भरपूर था मैं, हालांकि उसने बाद में ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उस प्लान के बाद मेरा कॉन्फिडेंस इतना हो गया कि मुझे लगा कि हाँ अब मैं प्लान कर सकता हूँ। और मैंने उस दिन के बाद लगातार प्लान की करना शुरू किया, और मेरे महागुरु जी ओम प्रकाश सर कुछ मेरे अंदर देख चुके थे, और उन्होंने मुझे तभी सजेशन दिया कि सर आप कुछ हो या ना हो, प्लान फॉलोअप कम हो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगातार ट्रेनिंग में आते रहिए, आप लगातार वेन्यू में आते रहिए। और उन्होंने मेरी डायरी पे एक नोट लिखा कि हमारे विचार हमारी जिंदगी बनाते हैं, उन्होंने लिखा, और मैं थोड़ा दिखाना भी चाहूंगा। ये मेरी शुरुआत की डायरी है, और उसमें उन्होंने बड़े सुंदर अक्षरों लिखा कि हमारे विचार ही हमारी जिंदगी का निर्माण करते हैं। ये बात मुझे इतनी अच्छी क्लिक की कि मुझे लगा कि वाकई में सर ने कुछ सही बात बोली है, और मैंने उसी दिन से सर की बात को मान करके ट्रेनिंग में और वेन्यू में जाना शुरू किया। चूंकि ट्यूशन शाम को मैं पढ़ाया करता था, थोड़ी दिक्कत थी, तो सर ने सजेस्ट किया कि इन ट्यूशनों को कोशिश करके आप संडे को स्किप कर दिए, संडे को इन्हें पोस्ट कीजिए। मैंने सर की बात को माना और संडे को ही वो सब चीजें करने लगी। इसी करते करते उधेड़बुन में लगभग 6 माह का समय बीत गया, लगभग मैंने अपने पर्सनल लेवल पे 30-40 प्लान दिखाए होंगे। चूंकि बताया मैंने लिस्ट ऐसी थी, स्टूडेंट टाइप के लोग थे ज्यादातर, और स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाया करता था, उनके पास पैसे नहीं थे, और जो टीचर्स थे वो कहीं ना कहीं बात नहीं मानते थे, तरह तरह की बातें करते थे कि नेटवर्किंग कोई बिजनेस होता है, और अपने एक्सपीरियंस से मुझे कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश करते थे। लेकिन चूंकि मैं तो ट्रेनिंग्स में जाता था, और उस ट्रेनिंग में उस समय एक बहुत अच्छी कहानी मुझे सुनाई पड़ी, हाथी और 4 अंधों की कहानी सुनाई गई कि नेटवर्किंग में लोगों की जानकारी कितनी है। एक बार एक राजा के दरबार में 4 अंधों को एक हाथी के बारे में बताया गया, और बोला गया आप हाथी को देख कर बताइए कि यह हाथी कैसा है। पहला अंधा गया, उसने उसकी सूंड को देखा, दूसरे अंधे को वारी दी गई, उसने उसके पेट पे हाथ फेरा, तीसरे ने उसके पैर को छुआ, और चौथे ने उसकी पूंछ देखी। चारों से बारी बारी पूछा गया, तो पहले वाले ने बोला हाथी एक सांप के जैसा होता है, दूसरे वाले ने जिसने टांग पकड़ी उसने बोला कि हाथी एक तने के समान होता है, तीसरे ने बोला कि एक हाथी दीवार के समान होता है, और चौथे ने बोला हाथी झाड़ू के समान होता है। तो क्या चारों बंदे सही थे? चारों बंदे अपनी जगह सही थे, लेकिन उन्होंने पूरा हाथी नहीं देखा था। इसी प्रकार मुझे पता चल गया कि नेटवर्क बिजनेस बहुत बड़ा है, परंतु लोगों ने इस बिजनेस को अच्छे से नहीं देखा है। मेरा एक ही काम है कि लोगों को सारी चीजें दिखाना, और मैं जब भी उनको प्लान करता था मेरा एक ही मकसद रहता था कि मैं उनको नेटवर्किंग की सबसे ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकूं और लगातार मैं काम कर सकूं। और मेरा हमेशा मानना था, ट्रेनिंग में ही मुझे बात बताई गई कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात बोली कि जब भी इस संसार में कोई नया विचार आता है, नया कोई ट्रेंड आता है, तो उसका पहले मजाक बनता है, फिर लोग उसका विरोध करते हैं, और अगर आप तब भी आप उस विचार पे काम करते रहो तो वही लोग एक दिन आपको स्वीकार कर लेते हैं और वही लोग आपका समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार मुझे, चूंकि पढ़ने का शौक था शुरुआत से, इन सारी चीजों ने मुझे मोटिवेट रखा, और मैंने
फंक्शन वेन्यू ट्रेनिंग मीटिंग में जाना शुरू किया, और मेरे हिसाब से शायद ही कोई ऐसा फंक्शन रहा हो जो मेरे अपलाइन ने बोला मैंने अटेंड नहीं किया। उसी फंक्शन में एक फंक्शन मैं कह सकता हूँ एक मेगा ट्रेनिंग थी हमारे महागुरु जी श्री जसवी सर की, और जब वो मैंने ट्रेनिंग अटेंड की तो उससे मेरी सोच बदल गई। सर स्टेज पर आकर के पूरी ट्रेनिंग दे रहे थे और वो सारी स्लाइड्स, चूंकि एक टीचर था और एक टीचर की हमेशा एक आदत होती है कि अपने साथ पेन डायरी रखता है, और मैंने वो डायरी निकाली अपनी और उनमें नोट करना शुरू किया। सर ने सबसे पहली चीज बताई कि नेटवर्किंग ही क्यों करें, क्यों हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करें। उन्होंने बोला ये भविष्य की दस्तक है, आने वाले समय में नेटवर्किंग के जरिए डायरेक्ट सेलिंग के जरिए ही बिजनेस होगा और आप लोगों के लिए एक शानदार बिना इन्वेस्टमेंट का एक शानदार बिजनेस प्लेटफॉर्म बनेगा। इसमें नो बॉस नो सर्वेंट, कोई आपका नौकर नहीं है ना आपका कोई मालिक है, आप एक दूसरे के पार्टनर होते हो, आप एक दूसरे के साथी होते हो और एक दूसरे को मिलकर के काम करना होता है। ये बिजनेस सभी के लिए है, इसमें ना जात पात, ना कोई उम्र, ना कोई रंग, ना कोई देश, ना कोई राज्य देखा जाता है, सभी के लिए आप सभी को दे सकते हो। जबकि आप अपनी चीज पे आप जो भी प्रोफेशन करते हो, जैसे मुझे जानकारी मिली कि मैं एक टीचर हूँ, मैं कितना भी कोशिश करूँ एक बच्चे को केवल शिक्षा दे सकता हूँ, उसे उसके मुताबिक नंबर और उसके उसे मुताबिक उसको जॉब नहीं दिलवा सकता हूँ। लेकिन यहाँ एक ऐसा मौका है हमारे पास कि इस बिजनेस में आकर के हम उसका सपोर्ट करेंगे और साथ में उसको भी डायमंड बना सकते हैं। इस बिजनेस से आपके जीवन की हर कमी पूरी हो सकती है। सर ने अपने बारे में बताया कि मेरे पास कुछ नहीं था बैकग्राउंड में, मैं एक गांव परिवार से था और मथुरा पढ़ने आता था और दूध का काम करता था, उस समय कुछ भी था नहीं मेरे पास, लेकिन इस बिजनेस से आज BMW है मेरे पास में, लाखों की इनकम है। तो मुझे लगा वाकई में मेरा जो सपना है कि मैं अपने परिवार के लिए अपने भाइयों के लिए संपत्ति छोड़ूं, वो सारा सपना मैं ऐसे पूरा कर सकता हूं, बहुत अच्छा लगा। एक और बात सर ने बोली कि अभ्यास से ही अनुभव होता है। उनका इनडायरेक्ट वे में कहना था कि आप किसी भी काम को जब शुरुआत करते हो तो शुरुआत में आपको डर लगते हो, उसमें भय लगता है, ये सबके साथ होता है, कितने भी सफल लोग हुए सबके साथ शुरुआत के स्टेज में ही रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब आपको अभ्यास होगा तो आपको उसका अनुभव होता जाएगा और आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही साथ नेटवर्किंग बिजनेस की वजह से आप में अच्छे संस्कार आते हैं, आप अच्छे संस्कार को सीखते हैं, और वाकई में उनकी बात सच थी, वहां एक दूसरे का मान सम्मान कराना, एक दूसरे को मोटिवेट करना, हर किसी को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देना, हर किसी का अच्छा चाहना, इस बात ने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया और मुझे लगा कि यहाँ इस माहौल में अगर हम रहते हैं, हमें सफलता जब मिलेगी तो मिलेगी, लेकिन हमें मानसिक शांति और एक सुकून मिलेगा, एक अच्छा साथ मिलेगा। और मैं बचपन से एक भोला किस्म का व्यक्ति हूँ, मैं बड़े लोगों को बड़ा कद्र करता हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि यहाँ इस अगर हम माहौल में रहेंगे तो मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता हूँ। एक बात सर ने बोली कि इस बिजनेस को सफल बनाने के लिए चालाकी नहीं सूझबूझ चाहिए, केवल आपको सूझबूझ से काम लेना है, आपको सारी चीज अप्लाइंस से पता करनी है कि कैसे करना है, उसके बाद में खुद उन्हें करना है और वही चीजें आपको डुप्लीकेट करानी है अपनी टीम में, आपको यहाँ चालाकी नहीं करनी। आप किसी भी लेवल पे सही, अगर आपने चालाकी की, सिस्टम से कैसा भी खिलवाड़ किया, आपने टीम से कैसा भी खिलवाड़ किया, आपने कोई भी ईगो पाली, तो वो दिन दूर नहीं जब आप इस बिजनेस से आप चले जाओगे दूर। और ऐसा बहुत सारे अभी तक के मैंने सफर में देखा है, मेरे से भी अच्छे दमदार लीडर्स इस बिजनेस में आए जिन्होंने मेरे से बाद में शुरुआत करी और बहुत तेज ग्रोथ की, लेकिन वो आज सिस्टम से आउट है। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कल ही सर ने एक बात बोली कि इस बिजनेस में वाकई में वही लोग सफल होते हैं जिनके पास दो चीज होती हैं, एटीट्यूड प्लस ग्रेटिट्यूड, ये दो चीजें आपके पास हैं तो आप इस बिजनेस से जरूर सफल हो जाएंगे। एक और बात सर ने बोली बहुत अच्छी लगी कि लगे रहने से ही सफलता मिलती है, अगर आप इसमें लगे रहेंगे जो भी आपकी सामर्थ्य, एक दिन ऐसा होगा कि आपकी टीम 10 की बनेगी, 50 की बनेगी, 100 की बनेगी और 500 की बनेगी और धीरे धीरे आप डायमंड बन जाएंगे। तो मैंने उनकी मीटिंग से एक चीज जरूर अपने अंदर ठान ली, कुछ हो ना हो, सफलता मिले ना मिले, 5 साल में मिले, 10 साल में मिले, 15 साल में मिले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इस बिजनेस में लगा रहूंगा, लगातार काम करता रहूंगा और
जो सर ने बोला है कि लगन से अगर सर को सफलता मिली है तो मुझे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सफलता जरूर मिलेगी, और आज उसका मैं परिणाम देख पा रहा हूँ कि आज मैं यहाँ पर्ण हूँ और आने वाले समय में बहुत तेजी के साथ में अभी तक जो सीखा है उसका इस्तेमाल करते हुए मैं बहुत जल्दी डायमंड भी बनूंगा। उसी मीटिंग में गुरुजी ने एक बात बोली कि एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर एक मिनट सोचकर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये बात मुझे बड़ी क्लिक की, क्योंकि इस बिजनेस में आना हमारा एक चांस है, बाय चांस सभी लोग आते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसने चॉइस किया हो या कोई ढूंढता हो, कभी भी नहीं हुआ। शायद ही 0.01% ऐसे लोग होंगे जिनको चाहत होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जाए, सभी लोग बाय चांस आते हैं। लेकिन जो लोग डायमंड बनते हैं, जो लोग यहाँ सफल होते हैं, जो लोग सपने पूरे करते हैं, वो बाय चांस नहीं करते, उसके लिए उन्हें चुनाव करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है। तो मैंने भी फैसला लिया कि हो ना हो मैं इस बिजनेस में लगातार काम करूंगा, और पूरा सोच विचार करके मैंने अपने आप को लंबे समय के लिए तैयार किया और इस बिजनेस में लगातार काम करना शुरू किया। जैसा हमारे 8 स्टेप्स में बताया जाता है कि आप ड्रीम बनाइए, मैंने भी ड्रीम बनाए, और महागुरु जी ने उस मीटिंग में ड्रीम क्यों बनाए जाते हैं, क्यों जरूरी लक्ष्य, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं टीचिंग लाइन से हूं और टीचर जो होता है वो एक हर चीज को गहराई से देखता है, तो उस चीज को मैंने नोट किया। उन्होंने 4 पॉइंट बोले कि हमेशा सपने अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए बनाने चाहिए। सपने ही वो होते हैं जो आपके भविष्य का सबसे अच्छा निर्माण करते हैं। अगर आपके ड्रीम्स होंगे, आपके गोल्स होंगे, तो आप अपने लक्ष्यों को अच्छी तरीके से डिजाइन कर पाएंगे, एक रोड मैप शानदार बनेगा, और जब भी आप पलट के अपनी लाइफ को देखेंगे तो आपकी लाइफ का हर रोड ऐसा दिखेगा जहां पे आपके कदम के निशान होंगे। तो इसलिए लक्ष्यों का बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट, अपने जीवन का मूल्य समझने के लिए हमें लक्ष्य बनाना जरूरी है। अपने जीवन का मूल्य समझने की बात के ऊपर मुझे महागुरु जी राहुल सर की कहानी याद आती है। एक बार एक शिष्य गुरु नानक जी के पास आया और उन्होंने बोला कि गुरुदेव मुझे ये बताइए कि मेरे जीवन का मूल्य क्या है। गुरु जी ने उसको एक पत्थर दिया और बोला कि आप इसे जाइए और मार्केट में जाकर के आप इसका केवल मोल पूछिए, आपको ये बेचना नहीं है। वो शिष्य बाजार में गया, सबसे आलू का विक्रेता मिला, उसने बोला भाई मोल क्या है मुझे बताइए, और उसने बोला भाई ये तोड़ने के काम आ सकता है, मैं केवल इसके बदले में आपको एक बोरी आलू दे सकता हूँ। इसी प्रकार वो आगे बढ़ा, एक फल वाला मिला, उसने बोला मैं कुछ इसके फल दे सकता हूँ। उसके बाद एक सुनार मिला और उस सुनार ने उसको बोला कि लगता तो ये पत्थर कुछ कीमती है, इसके बदले में मैं थोड़ा सा आपको धन दे सकता हूँ। इसी प्रकार वो कई जगह भटका, लेकिन उसको सही मूल्य नहीं मिला। अंत में वो एक जौहरी के पास गया और जौहरी ने जैसे उस पत्थर को देखा, उसने उसको एक आसन पे बिठाया, उसको नमन किया और उसकी परिक्रमा कर की और बोला कि भाई ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला है। शिष्य समझ नहीं सका ये क्या बोल रहा है, उसने बोला मुझे इसका मोल बताइए। जौहरी ने बोला भाई ये पत्थर इसका कोई मोल नहीं है, ये अनमोल है। शिष्य इस बात को सुनकर के गुरु के पास दौड़ा हुआ आया और बोला कि गुरु जी ये पत्थर के अलग अलग लोगों ने अलग अलग भाव लगाए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या मतलब है इसका। तो गुरु जी ने बोला कि बेटा ये आपका जो जीवन है इसका मूल्य आप जैसा लगाओगे वैसा ही जीवन आपका होगा। अगर आप इसे चाहो तो आलू की बोरी के भाव बेच सकते हो, आप चाहो तो इसे एक सुनार के पास की बेच सकते हो, और आप चाहो तो इसे अनमोल बना सकते हो। इसलिए हमें लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। और इस बिजनेस के आने के बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा परमपिता परमेश्वर को कि हमें यहाँ आकर के अपने जीवन का मूल्य पता लगा है, हम अपने जीवन को अनमोल बना सकते हैं डायमंड बन करके, सफलता पा करके। तीसरा पॉइंट है अपनी प्रगति मापने के लिए, अपना प्रोग्रेस मापने के लिए यहाँ हमारा लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है लगातार। चौथा पॉइंट, खुशी के लिए सपनों का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास सपने होंगे तो हम अपनी खुशियों को अच्छी प्रकार से हम उनको जी पाएंगे, और छोटे छोटे लक्ष्य जब पूरे होते हैं तो हर व्यक्ति के अंदर एक खुशी का संचार होता है,
और वो खुशी उसको अगले लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हेल्प करती है। इसीलिए हमें छोटे छोटे लक्ष्य होना बनाने चाहिए। लक्ष्य बड़े हो, लेकिन कुछ बात सर ने और बोली कि सफल लोग आपके और मेरे जैसे ही हैं। सफल लोग इस संसार में कहीं से नहीं आते, वो आपके और हमारे जैसे ही हैं। यहाँ पे मुझे विजयपाल सर की एक स्टोरी याद आती है। सर ने बताया था कि एक कभी आपने ऐसा सुना है किसी गांव में कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कोई प्रधानमंत्री पैदा हुआ हो? कभी नहीं। लेकिन आपने जरूर सुना होगा कि फलाने गांव में एक डॉक्टर साहब थे, वो गुजर गए। फलाने गांव में एक वकील साहब थे, वो गुजर गए। फलाने गांव में वो प्रधान जी थे, वो गुजर गए। कहने का तात्पर्य उनका यही था कि हर गांव में जब भी किसी ने जन्म लिया तो आपने यही सुना कि वहां पे एक बच्चे ने जन्म लिया और जब उसका अंत हुआ तो सुना सभी ने कि एक महान व्यक्ति बनकर के हो गए। तो जब भी कभी भी कोई व्यक्ति महान बना, वो इस संसार में अपने कर्मों से ही बना, अपनी मेहनत से ही बना। तो सफल लोग कोई अलग नहीं होते, वो हमारे और आपके जैसे ही होते हैं। वो भी साधारण होते हैं, वो भी जब सफलता पाते हैं वो भी मेहनत करते हैं और एक दिन वो सफल हो जाते हैं। साथ ही गुरुजी ने बताया कि जब आप इसको करने जाओगे तो इसमें बहुत मुश्किलें आएंगी। ये पक्का है, मुश्किलें आएंगी ये तय है, लेकिन रास्ते भी अपने साथ लाएंगी ये भी तय है। ये बिजनेस में मैंने पर्सनली अनुभव किया है, जो भी लीडर आगे ग्रोथ किया है हमेशा मुश्किलें आती हैं। जब भी नया टास्क आपको प्लान देता है कि आप ये काम कीजिए, नए प्लान दिखाइए, फॉलोअप कीजिए, नई सिटी में जाना, तो हर किसी को लगता है कि मुश्किल है, लेकिन वही मुश्किलें कुछ रास्ता लेकर के आती है। जब भी मैं अपने बारे में पर्सनली बताना चाहूंगा, मैंने शुरुआत की तो मेरे अपलाइन ने पुश किया, सही जाइए आप स्टेज पे कुछ प्लान दिखाइए, आप प्लान दिखा सकते हो। क्योंकि मैं शुरू से शर्मीला था, मुझे बहुत डर लगता था, मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ। कुछ मुश्किल मेरे सामने आई, लेकिन मैं हमेशा अंदर से अपने आप को बोलता था कि हाँ, अगर कोई दूसरा कर सकता है तो मैं भी कोशिश करके देखता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। मुश्किल आई जरूर, लेकिन मेरे अप्लायंस और सिस्टम की वजह से रास्ते भी आए सामने, और उन रास्तों की वजह से धीरे धीरे उन रास्तों पे चलते गए और आज धीरे धीरे हम प्रगति के पथ पे हैं। सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ये बिजनेस प्लान कितना शानदार सही, कितना शानदार आपको सिस्टम मिले, कितने शानदार अपलाइन मिले, लेकिन घर से निकले बिना कुछ नहीं होगा। शुरुआत के दिनों में मैं जब इस बिजनेस में था तो अमूमन जैसा सबके साथ होता है, काम नहीं चलता है तो एक नेगेटिविटी आती है। मेरे साथ भी नेगेटिविटी रहती थी, मैं काम नहीं करता था। तभी मेरे अपलाइन ने एक बार जसवी सर की कोई मीटिंग थी, उसमें मुझे मिलवाया और एक बात बोला, सर ये बहुत अच्छे टीचर हैं और ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। सर ने छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि सर क्या प्रॉब्लम है? फिर मैंने बताया, सर प्लान दिखाने का मन नहीं करता, नेगेटिविटी आती है। तो सर ने बोला, नेगेटिविटी ऐसी चीज है जब आप काम नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आएगी। आप घर से निकल जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, आपको नेगेटिविटी नहीं आएगी। उन्होंने अपने बारे में बोला कि आज मैं डायमंड से ऊपर हूँ, अगर मैं भी आज अगर 4 दिन घर रुक जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मुझे भी नेगेटिविटी आएगी और मुझे भी काम ना करने का दिल करेगा। बस आप फील्ड में निकल जाओ, कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको मिलेगा और आपकी वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी चेंज हो जाएगी। और उस दिन से मैंने मैसेज लिया, मैं अपने लाइफ में कभी भी घर नहीं रुका, डेली मैं फील्ड में जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि प्लान होते थे, कभी ऐसा होता था प्लान नहीं होते थे, लेकिन फील्ड में जाना, कोई भी मेरा डाउनलाइन सही, मैं उसके पास जाके बैठता था, उससे सिखाने का प्रयास करता था। मेरी टीम में 2 डाउनलाइन है, डॉक्टर अतीक अहमद जी और चेतन शर्मा जी। इन दोनों लोगों के घर घर जा जा करके मैंने इनको अपना टाइम दिया और हमेशा कोशिश करी कि इनके प्लान करूं मैंने, क्योंकि मुझे सर की एक बात याद थी कि अगर मैं घर रहूंगा फ्री टाइम में तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आएगी, इसलिए मैंने उस बात को हमेशा ध्यान रखा। हमें इस बिजनेस को करना क्यों जरूरी है? उन्होंने सर ने बताया कि हमें उनकी सोचनी है जिनका हमें कर चुकाना है। ये जीवन, ये शरीर जिन माता पिता ने, जिन गुरु ने पढ़ा के बड़ा किया, जिस पत्नी के सहारे हम रहते हैं, उन सभी का कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को कर चुकाना है। एक उनको अच्छी लाइफस्टाइल देना, उनको अच्छे संस्कार देना, उनकी ख्वाहिश पूरी करना, उनके सपनों को पूरा करना, ये हमारा फर्ज है। तो उनका कहीं ना कहीं कर चुकाना है, इसलिए हमें यहाँ पे इस बिजनेस में काम करने की जरूरत है। बहुत अच्छा लगा और मैंने उसी दिन से ठान करके इस बिजनेस में काम करना शुरू किया। सभी के साथ जैसे दिक्कतें आती हैं, मेरे साथ भी आई, अप एंड डाउन हुए,
मनी प्रॉब्लम जैसे सबके साथ होती है, मेरे साथ भी थी, लेकिन मनी प्रॉब्लम की बात जब भी आई मेरे सामने तो मुझे महागुरु जी विजयपाल सर की वही स्पीच याद आती थी जिसमें वो बोलते हैं कि अगर आपके जीवन में बिजनेस आ गया है तो आप इसको ऐसे मान लीजिए जैसे आपके दो बच्चे थे और एक और बच्चा आपके जीवन में आ गया, गलती से सही लेकिन आ गया। अब आप क्या करोगे, उसे आप मारोगे तो नहीं, आप उसका पालन पोषण उसी तरह से करोगे जैसे उन दोनों बच्चों करोगे। इसी प्रकार अगर आपने इसे तीसरा बच्चा मान करके इसका पालन पोषण कर लिया, आपने 4 साल लगातार इसके ऊपर खर्च किया, कभी ट्रेनिंग का खर्च होगा, कभी दिशा ट्रेनिंग का होगा, कभी टूल्स का होगा, कभी फंक्शंस का होगा, अगर आपने खर्च कर लिया तो कुछ साल अगर 4-5 साल अगर आपने इस बच्चे को पाल लिया तो ये इकलौता बच्चा आपके पूरे परिवार को और आपके दोनों बच्चों को पाल के खिला देगा, जीवन भर ये खिला सकता है। तो बात मेरे दिमाग में क्लिक कर गई और मैंने कभी भी उसी को नोट नहीं किया और अपनी सामर्थ्य जितना हुआ हमेशा काम किया। विकास यादव सर की मैंने एक स्पीच सुनी और उन्होंने 3 गोल्डन थिंग्स के बारे में बताया कि इस बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो 3 सुनहरी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात बोली उन्होंने, लिसन नो, ज्यादा से ज्यादा ना सुने, ज्यादा से ज्यादा लोगों की आप ना सुने, जितनी ज्यादा आप ना सुनेंगे उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप तेज गति से ना सुन रहे हो तो आपकी टीम भी तेजी से बढ़ेगी और आपको ग्रोथ मिलेगी। तो मैंने हमेशा एक ही चीज ठानी कि चाहे व्यक्ति ना करे हाँ करे, मैं प्लान करूंगा प्लान करूंगा प्लान करूंगा। मैंने धुआंधार प्लान करे, रिजल्ट कभी ज्यादा आया कभी कम आया उसकी कभी फिक्र नहीं की। दूसरी चीज महागुरु जी ने बताई, इम्प्रूव हैबिट्स, आपको आपकी आदतों में लगातार सुधार करना चाहिए। शुरुआत में किसी को डर लगता है, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, ये सारी चीजें धीरे धीरे मैंने सीखी, आदतें अपने अंदर डाली, कमिटमेंट अपने आप से किया और हमेशा सीखने की आदत डाली कि जो भी मेरे महागुरु जी बोलेंगे मैं सीखूंगा। और मैंने जब भी मेरे महागुरु जी ने कुछ बोला कि आपको ये करना है, मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कमिटमेंट के साथ में, जितना मैं खरा उतर सकता हूँ मैं उसको उतरा। तीसरा पॉइंट सर ने बोला, डिटर्मिनेशन, आपको अगर कामयाब होना है तो आपको दृढ़ इच्छा रखनी पड़ेगी। जब तक आप डायमंड नहीं बन जाएंगे, जब तक आपको इस रास्ते को छोड़ना नहीं है, डायमंड बनकर ही आपको दम लेना है, डायमंड बनकर ही आपको यह सक्सेस लेनी है। क्यों? क्योंकि अगर बीच में रास्ता छोड़ दोगे तो कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। जैसे महागुरु जी ओम प्रकाश सर बताते हैं, सपोज कीजिए आपको किसी पुल को पार करना है और आप अपनी गाड़ी उस पुल पे चढ़ा रहे हो, उस समय बहुत आपको मेहनत लगती है। अगर आपने उस पुल पे कुछ दूरी चढ़ करके, उस गाड़ी को चढ़ करके आपने कुछ दूरी चढ़ करके अगर आपने अपनी गाड़ी रोक दी तो वो गाड़ी वही नहीं रुकी लगे रहेगी, वो गाड़ी उतनी दूरी जाएगी जहां से आपने शुरू किया था, उससे भी 20 कदम जाके रुकती है। इसी प्रकार इस बिजनेस को बीच में छोड़ने का कोई फायदा नहीं है, आपको सच्ची कामयाबी डायमंड बनने के बाद ही मिलेगी। तो ये 3 चीजें उन गुरु जी से मुझे मिली और मैंने शुरुआत के अपने इस बिजनेस में इन चीजों का ध्यान रखा, लगातार सीखने की आदत डाली, हमेशा डिटरमाइंड माइंड रखा कि मुझे बिजनेस करना है। सभी के साथ जैसा विरोध होता है, मेरे साथ भी परिवार में विरोध हुआ, क्योंकि मैं घर में बड़ा था, कहीं ना कहीं जब इस बिजनेस को मैंने करने की कोशिश की तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होती है, बहुत सारे टाइम है जो फैमिली को देना था वो मुझे याद देना पड़ा, इसीलिए विरोध भी हुआ। लेकिन मैंने बस ठान रखा था कि मुझे कुछ करके दिखाना है। कुछ दिनों के बाद में सभी का विरोध खत्म हो गया और आज सब लोग मेरी सफलता को देख रहे हैं। कुछ अपने एक्सपीरियंस से मैंने जाना यहाँ पे कि जब भी मैंने फॉलोअप किया हमेशा वीडियो से किया, मैंने कभी भी किसी व्यक्ति ने कोई भी क्वेश्चन किया तो मैंने कोशिश की सबसे पहले उसको उसके जैसा वीडियो दिखाने की। और ऐसा जब मैंने किया तो मुझे महसूस हुआ कि हमेशा वीडियो दिखाने से ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं, उसको थर्ड पार्टी का अनुभव मिलता है, वो व्यक्ति कंपेयर करता है, वो व्यक्ति अपने आप को उस आईने में देखता है जिसमें सामने वाले एक लीडर उसको बोल रहा है। इसलिए शायद मेरी शुरुआत की सफलता का जो रिजल्ट था, वो जो सफलता मिली मुझे, वो वीडियो का ज्यादा यूज करने से मिली। और मैंने भी अपने लिए सबसे ज्यादा वीडियोस देखी और उनसे नोट्स बनाए। दूसरा, सफलता के लिए अगर हम बात करें, हर बार हमें ट्रेनिंग मिलती है, हर बार हमें सेशन मिलता है, फिर भी बहुत सारे लीडर्स अपनी अप्लाइंस से हर बार पूछते हैं कि सर कुछ नया बताओ,
ऐसा हम क्या करें जिससे ज्यादा से ज्यादा सेल्स आए, ज्यादा से ज्यादा सक्सेस आए, ज्यादा से ज्यादा रीडी मिले। तो उनके लिए मुझे वही कहानी याद आती है, महागुरु जी विजयपाल सर कहते हैं कि इस बिजनेस में पहले ही सब कुछ आपको बता दिया जाता है। वो कहते हैं कि अगर आप ये बता दो कि इस बैग में क्या है तो सारे के सारे केले आपके हैं, और अगर ये बता दो कि कितने केले हैं तो 6 की 6 केले आपके हैं। अब सब कुछ हमें बता दिया जाता है कि वही सारे बेसिक स्टेप्स हमें पालन करने हैं, 8 स्टेप्स का पालन करना है, डायमंड बनने के 10 मंत्रों को हमें निरंतर पढ़ना है और उनका इस्तेमाल करना है, 3 पावर्स का इस्तेमाल करना है और 3 कार्डिनल रूल्स का, यही कुछ मेन चीजें होती हैं। फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं अपना टाइम उन्हीं चीजों में ज्यादा करते हैं। एक बुक पढ़ी मैंने, जीत या रहो तैयार, उस बुक से कुछ अच्छा मिला मुझे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की आदत। जब वो बुक मुझे रिकमेंड की गई मैंने खरीदी और उसे पढ़ा, बहुत अच्छा लगा और बोला कि जिंदगी एक प्रतियोगिता है, लाइफ इज ए कॉम्पिटिशन, यहाँ सबसे सक्षम खिलाड़ी ही जीत सकता है, इसलिए हमेशा कुछ एक्स्ट्रा डालने की कोशिश करें, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट डालने की कोशिश करें, एक्स्ट्रा समर्पण, एक्स्ट्रा आइडिया, इन्हीं चीजों से एक सक्सेसफुल व्यक्ति और एक नॉन सक्सेसफुल व्यक्ति में अंतर पैदा होता है। और तभी से मैंने अपने प्लान में, अपने फॉलोअप में, अपनी एंकरिंग में, अपनी ट्रेनिंग्स में, अपने लीडर्स को सिखाने में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा डालने की कोशिश की, उनके साथ में कुछ एक्स्ट्रा करने का कोशिश किया, क्योंकि उसमें एक कहानी है एक्स्ट्रा करने की वजह से एक व्यक्ति को क्या क्या मिल सकता है। मोहन सिंह ओबेरॉय, उन्होंने जब अपने शुरुआती जीवन की शुरुआत की तो सरकारी नौकरी की बहुत कोशिश की, परंतु उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकी। तब वो शिमला के एक होटल में नौकरी करने के लिए गए, वहां उन्होंने मैनेजर को बोला कि सर आप मुझे कोई भी काम दीजिए, मैं करने को तैयार हूँ। नौकर ने उन्हें